आज हम लोग बात करने वाले हैं बीटाडीन सॉल्यूशन के बारे में। तो बीटाडीन सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे अभी। तो ये एक एंटीसेप्टिक मेडिसिन है, जो कि इसका इस्तेमाल छोटे मोटे घाव बॉन्ड में, मतलब तो इसको बॉन्ड को इंग्लिश में बॉन्ड कहा जाता है और हिंदी में घाव कहा जाता है। तो घाव का इस्तेमाल, मतलब घाव को साफ़ करने के लिए, छोटे मोटे घाव को साफ़ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसका जो है स्किन इन्फेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है ये सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म जो है उसको किल करता है ये, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, स्पोर्स हो गया, ये सब जो प्रेजेंट होता है स्किन में वो सबको किल कर देता है। इसका और भी इस्तेमाल होता है, मतलब सैनिटाइज किया जाता है स्किन को सर्जरी से पहले। सैनिटाइज मतलब कि साफ, उसको स्टरलाइज किया जाता है, एक तरह से उसको स्टरलाइज कह सकते हैं। तो वहाँ पे साफ़ सफाई किया जाता है, वहाँ पे मतलब जितना दूर में भी ऑपरेशन करना है उतना दूर से बैक्टीरिया वगैरह, फंगस वगैरह सब कुछ हटा दिया जाता है। इसको साफ़ करके वो डालने से उतना दूर का एरिया में फंगस वगैरह कुछ भी सब खत्म हो जाता है, जितना भी स्किन में जो जितना भी मतलब बैक्टीरिया वगैरह जो भी रहता है वो सब मर जाता है। इसको और भी इस्तेमाल है, जैसे कि वेजाइनल यूज के लिए भी किया जाता है। जैसे वेजाइनल प्रॉब्लम होने पे, जैसे मान लीजिए कि आपको वेजाइनल इन्फेक्शन है, तो ऐसा कंडीशन में इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वो कॉटन में कर करके उसको वहाँ पे साफ़ करना होता है, या फिर पानी में डाल करके जब भी लेटरिन बाथरूम जाइए उसे धो लेना होता है साफ का रास्ता। तो ये सब था इसका यूज। अब इसका साइड इफ़ेक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो, जिससे आपको साइड इफ़ेक्ट करेगा तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम होगा ये भी जान लेते हैं हम लोग। तो स्किन इरिटेशन हो सकता है, या फिर एलर्जिक स्किन रिएक्शन हो सकता है, या फिर रेडनेस ऑफ स्किन हो सकता है। तो एलर्जिक स्किन रिएक्शन जो है बहुत ही कॉमन है, ये किसी को भी हो सकता है। तो अगर ऐसा हो तो इसका इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको बेहतरीन वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं और कराते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट में नीचे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।